लगातार मयंक को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। जहां रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत जनेह थाना क्षेत्र के ग्राम मनिका में एक 6 वर्षीय युवक बोरवेल में अचानक गेहूं की बाली बिनते बिनते गिर गया था। जहां मयंक आदिवासी अपने 3 भाई बहनों में से सबसे बड़ा था। उसकी माँ का रो रो कर काफ़ी बुरा हाल है। वहीं उसके पिता विजय आदिवासी की भी हालत काफ़ी खस्ता है। हालांकि मोर्चा पूरी तरह से NDRF की टीम संभाले हुई है। बात की जाए जनप्रतिनिधियों की तो छोटे से लेकर बड़े स्तर के जनप्रतिनिधि यहां पर पहुंच चुके हैं और लगातार राहत बचाव कार्य की जो टीम है उससे संपर्क बनाए हुए हैं। वहीं डिप्टी CM राजेंद्र शुक्ल, सांसद लोकसभा रीवा के प्रत्याशी भाजपा के प्रत्याशी जनार्दन प्रसाद मिश्र, क्षेत्रीय विधायक त्योंथर सिद्धार्थ तिवारी लगातार जब से यह घटना हुई है सिद्धार्थ तिवारी घटना स्थल पर लगातार मौजूद हैं। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के अगर बात की जाए तो NDRF टीम पिछले 36 घंटे से कड़ी मशक्कत कर रही है लेकिन अभी सफलता हाथ नहीं लग पाई है। यानी ये कहा जाए कि ये जो अभियान चलाया गया मयंक को बचाने के लिए उसमें अभी सफलता नहीं मिल पाई है। अगर बात की जाए मशीनरी की तो मशीनरी यहाँ पर काफ़ी हैवी मशीनरी यहाँ पर उपलब्ध हैं और लगभग 8 से 10 मशीनरी यहाँ पर काम कर रही हैं। वर्तमान में NDRF की टीम सब्बल और कुदाल के माध्यम से खुदाई कर रही है। चूँकि वह मयंक के काफ़ी नज़दीक पहुँच चुकी है ऐसी स्थिति में वह रिस्क नहीं ले रही है कि कहीं मयंक घायल न हो जाए, उसे चोट न पहुँचे, इसलिए फूँक फूँक कर NDRF की टीम कदम उठा रही है। घटनास्थल पर लगातार पुलिस अधीक्षक विवेक सिंह, कलेक्टर प्रतिभा पाल कड़ी निगरानी कर रही हैं और घटनास्थल पर नीचे सुरंग के पास बैठे हुए हैं, पल पल की जानकारी ले रहे हैं कि किसी भी प्रकार के रूप से मयंक को क्षति न पहुंचे। तो हम लगातार कल से ही आपके पास अपडेट पहुंचा रहे हैं और लगातार हम आपके पास अपडेट पहुँचाते रहेंगे। धन्यवाद। काम कर रहे हैं, वो जितना संभव प्रयास हो रहा है सरकार और प्रशासन कर रहा है, बाकी तो अब प्रयास किए जा रहे हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते कि क्या है, वो तो रेस्क्यू वाले अपना काम करेंगे, वो उनका काम है, उसके लिए अपन कुछ कह नहीं सकते क्या है। CM का दौरा था आज, ऐसा कहा जा रहा था कि CM भी आ सकते हैं यहाँ पर। नहीं, CM में बराबर नज़र रखे हुए हैं। CM ने कई बार यहाँ जिला प्रशासन से बात की, उप मुख्यमंत्री जी भी आए थे यहाँ पर और प्रशासनिक जो व्यवस्थाएं हैं वो सारी चाक चौबंद की जा रही हैं और हर संभव प्रयास किया जा रहा है। आगे कितना संभव होता है, क्या होता है, अभी तो रेस्क्यू टीम वाले ही बता सकते हैं कितना कहाँ तक वो हो पाएगा। अधिकारियों से कुछ बात हुई आपकी? नहीं, वहाँ तो वो लोग कर रहे हैं, वो ड्रिल कर रहे हैं, बोर के अंदर पहुँचने का प्रयास कर रहे हैं कि कहाँ क्या है। अभी रेस्क्यू में कितना समय लग सकता है? अभी कुछ कह नहीं सकते, मैं वो लोग भी अभी कुछ कह नहीं सकते क्या होगा। देखिए, पूरी संजीदगी से प्रशासन काम कर रहा है। आप सबने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी भी संज्ञान ले रहे हैं हर घंटे सिचुएशन का, और प्रशासन और सरकार बहुत गंभीर है। हमारा पूरा प्रयास है कि हम मयंक को सकुशल उसके परिवार से मिलाएं। चूँकि ज़मीन में पानी निकल आया है, कीचड़ के कारण कैमरे ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए एग्जैक्ट लोकेशन पता नहीं चल पा रही है। वर्टिकल ड्रिलिंग आपने देखा, इतना बड़ा हमने डिच बना दिया है। हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग भी करीब करीब कंप्लीट हो गई है। थोड़ा सा उसमें बोर का जो अलाइनमेंट है, जो कि क्रूड बोर है, वो अलाइनमेंट कहीं मिस हो रहा हल्का सा। बहुत जल्द मुझे लगता है 1-2 फुट में हम पा लेंगे, तो हम किसी नतीजे पे बहुत जल्दी पहुँच जाएंगे। तो ये और कितना वक्त लग सकता है भैया? मुझे लगता है 1.5 घंटे में हम किसी नतीजे पे पहुँच जाएंगे। भैया 24 घंटे से अधिक वक्त बीत चुके हैं, तक उसका पता नहीं लग सका है। पता तो है, वहाँ पर हैं, लेकिन कैमरे से क्लियर पिक्चर नहीं आ पा रही कीचड़ के कारण, तो हम डायरेक्ट मैनुअल ड्रिलिंग से जा रहे हैं उसके अंदर। ये माना जाए कि कीचड़ में फंसा हुआ है मैं कभी? कुछ भी बता पाना अभी मुश्किल है, कीचड़ पानी दोनों हैं नीचे, उसकी शिनाख्त कर रहे हैं, कुछ भी कह देना हल्की बात होगी। पूरे प्रदेश में लोग कामना भी कर रहे हैं कि मैं सब फसल बाहर आए। पूरा प्रदेश, हमारी सरकार, मुख्यमंत्री,
हम सब आप देख रहे हैं, हम सब यहाँ 28-30 घंटे से बैठे हुए हैं। हम सब चाह रहे हैं कि हम मयंक उसके परिवार से ऐसा कुछ मिले।